नर्स्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन है हमारे पास. फाइंड ईएमएफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. क्रोमियम से क्रोमियम प्लस थ्री बन रहा है, क्रोमियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एफ ई प्लस टू से एफ ई बन रहा है. ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल को ऐसे लिखते हैं. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है. साथ ही इन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है क्रोमियम का और आयरन का. तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है. सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन है ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ये नर्स्ट इक्वेशन है और इसके थ्रू हम ई एम एफ निकालते हैं. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ई नॉट सेल निकालना है. ई नॉट सेल निकलता है कैथोड माइनस एनोड से. कैथोड वो है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड वो है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहाँ पर देखो ये एफ ई प्लस टू से एफ ई बन रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी एफ ई प्लस टू से एफ ई बन रहा है. तो रिडक्शन यहाँ हो रहा है. अब कैथोड माइनस एनोड, तो एनोड वहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो दिस माइनस दिस कर लो तो यहाँ एनोड सेल आ जाएगा. एनोड सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इस तरीके से हम एनोड सेल निकाल लेंगे. मैक्सिमम केसेस में एनोड प्लस ही आएगा. अगर एनोड प्लस नहीं आएगा तो फिर हम ईएमएफ प्लस कैसे लाएंगे. इसलिए एनोड प्लस ही आना है. और एक और सिंपल सी ट्रिक इसकी ऐसी समझ लो कि ज़्यादा माइनस कम करना है. जैसे माइनस 0.74 और माइनस 0.44 में माइनस 0.44 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा माइनस कम ऐसा कर लो आप, तो ये प्लस में आ जाएगा. तो यहाँ से इनोट की वैल्यू आ जाएगी. अब एन, एन कैसे निकालना है. एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालने के लिए हमें बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. और बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखना है, सीआर से सीआर प्लस थ्री, सीआर से ये सीआर प्लस थ्री, और एफ ई प्लस टू से ये क्या हो जाएगा एफ ई. यहाँ प्लस थ्री चार्ज, यहाँ प्लस टू चार्ज है, बैलेंस करना है. इसको टू करो, सिक्स चार्ज हो गया, प्लस सिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री. तो ये थ्री, ये थ्री, ये ट्वाइस, ये ट्वाइस. तो हमने क्या लिख दी, बैलेंस रिएक्शन. तो सी आर प्लस थ्री की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, एफ ई प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01. तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई. अब ऐसा करते हैं, ये जो ई नॉट की वैल्यू है ये निकालते हैं. ई नॉट है ई कैथोड माइनस एनोड. तो इसकी वैल्यू ई नॉट सेल अपन निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब कैथोड कितना दिया है, माइनस 0.44 माइनस माइनस 0.74. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.44 प्लस 0.74, तो ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट. यहाँ पर इनोड आ जाएगा. तो ये इनोड की जगह हम क्या कर देंगे, 0.30 वोल्ट लिख देंगे. अब हमें निकालना है एन. तो ये अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.30, ये आ गया अपना. अब एन निकालना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है. यहाँ क्रोमियम पे चार्ज कितना है, जीरो, अभी कोई चार्ज नहीं. यहाँ पर एक क्रोमियम पे चार्ज कितना है, प्लस थ्री. तो दो क्रोमियम पे चार्ज कितना है, प्लस सिक्स. यहाँ पर दो क्रोमियम पे चार्ज जीरो, तो जीरो से क्या हुआ, प्लस सिक्स. तो डिफरेंस कितना है, सिक्स इलेक्ट्रॉन का. इसका मतलब इस क्रोमियम ने सिक्स इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, थ्री एफ ई प्लस टू को दिए. तो अगर ट्रांसफर देखें तो ट्रांसफर सिक्स इलेक्ट्रॉन का हुआ है, जो कि क्रोमियम में आयरन को दिए, एफ ई प्लस टू को दिए. तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा सिक्स. अब इस रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूँ नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में. इस पूरी रिएक्शन को लिख रहा हूं. ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल
क्या आ गया अपने पास 0.30 माइनस, अच्छा 0.059 को ऑलमोस्ट 0.06 लिख सकते हैं। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 लॉग। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां क्या है, Cr प्लस 3 प्रोडक्ट है। जैसे मैं कहूं किसी रॉड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, किसी रॉड की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। जैसे आयरन सॉलिड है, ये क्रोमियम सॉलिड है, तो ये सॉलिड रॉड हो गई। तो ये जैसे क्रोमियम है, ये सॉलिड है, ये तो सॉलिड रॉड हो गई। ये आयरन सॉलिड है, तो इसकी तो कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, तो इनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन तब होगी जब वो आयन की फॉर्म में, जैसे क्रोमियम प्लस 3 है आयन की फॉर्म में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, ये सल्यूशन में डिजॉल्व है, तो जो आयन होंगे उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में हम Cr प्लस 3 बस लेने वाले हैं, Cr प्लस 3। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि Cr प्लस 3 के आगे क्या लगा है, 2, तो ये स्क्वायर करना ना भूलना, यहीं पर गलती होती है। तो Cr प्लस 3 का ये स्क्वायर और यहीं Fe प्लस 2 का ये हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां पर ये Fe प्लस 2 का क्यूब। अब Cr प्लस 3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1, तो यहां अपन 0.1 पुट कर देंगे और यहां 0.01 पुट कर देंगे। अब देखो ये 6 और 6 चला गया, 0.30 माइनस 0.01, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब पहले हम लॉग पूरा सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद यहां वैल्यू पुट करेंगे। तो लॉग Cr प्लस 3 का 0.1 मतलब 10^-1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10^-2, और ये क्या है 10^-2, 0.01 था तो 10^-2 का हम इसको क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब मैं पूरा ये लॉग सॉल्व करता हूं। पहले ये देखो लॉग 10^-2, अभी आगे ऐसा आ जाएगा लॉग 10^-2, और ये हो जाएगा लॉग 10^-6। लॉग एक ही है, लॉग 10^-2 अपॉन 10^-6, तो ये माइनस 2 से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 10^-4, सॉरी नीचे -4 आएगा, ये -4 ऐसा आएगा। तो देखो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा 0.30 माइनस 0.01। असल में क्या है, लॉग सॉल्व करके जो भी आने वाला है मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अब लॉग 1 अपॉन 10^-4, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 10^-4, और लॉग m की पावर n होता है n लॉग m, तो ये हो जाएगा 4 log 10। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ लॉग 10^4 इज 4 log 10, और log 10 क्या होता है 1। तो अब 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.04, तो ये हो जाएगा 0.26 वोल्ट। तो इस तरह से Nernst इक्वेशन के थ्रू हम EMF निकालेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैलेंस रिएक्शन लिखना है सबसे पहला स्टेप। सेकंड, E0 सेल निकालो जो कि ज़्यादा माइनस कम से निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालो, और फिर उसके बाद ये स्क्वायर और क्यूब इनका ध्यान जरूर रखो, और फिर उसके बाद लॉग सॉल्व कर दो।